साथियों, मुझे याद है जब मैं बहुत पहले काशी आया था तो उस समय एयरपोर्ट से शहर तक आने वाले रास्ते को देखकर मन में बड़ी पीड़ा हुई। शहर में पहुंचा तो बार बार बिजली के लटकते तारों से सामना हुआ। मन में प्रश्न उठता था कि तारों के हिसाब से घरों तक सूर्य की रोशनी कैसे पहुंचती होगी। जहां दुनिया मां गंगा का अमृतपान करने आती है, वहां गंदगी के ढेर क्यों है? ऐसे अनेक सवाल मेरे मन में तब कौंपते थे। साथियों, इन्हीं सवालों को ढूंढने के लिए आप सभी का साथ मैंने तब मांगा था। सच कहूं तो 17 मई 2014 को गंगा तट पर कुछ संकल्प मैं ले रहा था तो मन में एक सवाल जरूर था कि काशी की उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा क्या? लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हम सभी के सामूहिक प्रयास से और बाबा के आशीर्वाद से बदलाव को काशीवासियों समेत पूरा देश अनुभव कर रहा है। जो सपना मन में है वो पूरा हो गया, ऐसा मैं कभी दावा नहीं करता, लेकिन उस सपने को पूरा करने की दिशा में हमारा रास्ता और रफ्तार सही है ये जरूर कह सकता है। साथियों, काशी के विकास को लेकर हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उसके तीन पहलू हैं। पहला आध्यात्मिक, दूसरा व्यवहारिक और तीसरा मानवीय। ये तीनों अलग अलग भी हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। ये तीनों पहलू यहां के नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, यहां के गरीब के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, यहां के बुनकरों के लिए, यहां के विद्यार्थियों के लिए, यहां के नाविकों के लिए, यहां के टूरिस्ट गाइडों के लिए, व्यापारियों के लिए, उद्यमियों के लिए, सबके लिए उतने ही महत्वपूर्ण है।